गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ अपने भाई, मतलब एक सब्सक्राइबर मित्र ही है जिनके साथ अभी गुड़गांव ब्रांच में आया हूँ। इनका फर्स्ट पीआरपी था, इन्होंने अपना जो है एक महीने पहले सूरत से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और मैं इनका जो है एक महीने का रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। और जब इनका फुल रिजल्ट आ जाएगा, फुल ग्रोथ हो जाएगा, जब भी मैं एक वीडियो लाऊंगा इनके साथ जब कि इनका फुल ग्रोथ आपको शो करूंगा। और ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि पहले भी मैं दिखाऊंगा कि ये बंदा है जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और इनका रिज़ल्ट जब आएगा तब भी मैं शो करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूंगा कि कौन से जो है पेशेंट का सबसे अच्छा रिज़ल्ट आया और उसी का जो है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आ जाओ वीडियो में और उनका मैं जो है वीडियो बना के आप सबको दिखाऊँ कि देखो इतना अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सबको जो है शुरू से दिखाऊँ कि लास्ट तक कि पहले इनका जो है कैसा था बालनेस और उसके बाद जो है धीरे धीरे कैसे इनका प्रोग्रेस हो रही है। जैसे इससे पहले भी एक वीडियो मैं बनाया था मेरे एक फ्रेंड के साथ जो कि सूर्य प्रताप, आपने उनका वीडियो देखा होगा। तो ये भी कुछ ऐसी ही वीडियो है लेकिन ये ज़्यादा वीडियो में आ नहीं पाएंगे भाई। तो जब इनके जो है लास्ट जो इनका रिज़ल्ट आ जाएगा तब एक मैं वीडियो लाऊँगा इनके साथ, वो वीडियो ज़रूर देखना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। तो मैं पूछना चाहूँगा सर, आप क्या बताना चाहोगे, कैसा आपको कैसी ग्रोथ लग रही है भाई की, अभी ठीक है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ओके, हाय, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इन हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो गुड़गांव ब्रांच। तो मैं बताना चाहूँगा कि इनकी अभी अच्छी ग्रोथ है, शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली उतने हेयर नहीं है जो हमने इनिशियल इम्प्लांट किए थे, लेकिन अभी भी अच्छे हैं और आप 3-4 मंथ्स में ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि कितने डेंसिटी बढ़ रही है और कैसा है। और फुल टाइम थोड़ा सा यही वेट करना है हमें, बाकी सब चीज़ें ये रेगुलर भी हैं और अपने हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो सब चीज़ें इनकी रेगुलर चल रही हैं। तो इनिशियल PRP स्टार्ट होगी है, इसके बाद मंथली इंटरवल पे 2 PRP लगभग और होंगी तो ये ग्रोथ और बेटर मैं ज़्यादा मैं बता पाऊँगा कि और अच्छे से आपको दिखा भी पाऊँगा। और भाई देखो, सब लोग डरते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, पता नहीं कितना ही दर्द होगा, PRP के टाइम कितना ही दर्द होता है। तो मैं यही चीज़ भाई से आज पूछना चाहूँगा कि भाई जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो आपको कितना दर्द हुआ था और अभी जब आपने PRP करवाया तो आपको कितना दर्द हुआ, मतलब वो चीज़ जो भी रियलिटी हो बताओ, दर्द हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, कैसा लगा हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद, सब कुछ जो आप बताना चाहो। हाय गाइस, आई एम प्रिंस। ऐसा कुछ मेरे को दर्द तो फील हुआ नहीं, पहले वहाँ पे जाते हैं कुछ ऐसा कुछ दर्द नहीं होता है, बट थोड़ा सा दर्द वो तो आप फेस कर ही सकते हो हेयर्स के लिए। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को अच्छे से ट्रीट किया गया, बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे, कुछ नहीं। और रहा बात PRP की, PRP में भी कुछ भी दर्द नहीं होता है, थोड़ा सा एनेस्थीसिया का दर्द होता है, उसके बाद कुछ भी पेन नहीं होता है, जो तुम आप सह सकते हो अपने बालों के लिए, बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा पीछे दर्द, थोड़ा सा बैक में दर्द होता है, वो भी माइनर सा, तो वो भी इसलिए क्योंकि PRP वहाँ पे PRP वैसे ठीक होता है और एनेस्थीसिया वहाँ पे नहीं दिया जाता है तो होता है दर्द। ऐसा कोई ऐसा मेजर दर्द होता नहीं है, वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा डॉक्टर्स के साथ। पहले तो आप डर रहे होंगे जाने के, पहले बात बहुत डर रहा था, मैं भाई से भी पूछ रहा था कि भाई कितना दर्द होगा, डॉक्टर से भी पूछ रहा था कितना दर्द होगा कितना दर्द होगा। लोग के मन में ऐसे हुआ है कि पता नहीं क्या दर्द होता है क्या नहीं होता है, बट कोई डरने की बात नहीं, कोई ऐसा दर्द नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, बहुत सेफ एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी सर्जरी हुई मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे आपने सुनाई कि प्रिंस भाई बहुत ही ज़्यादा खुश है, ये सुन के हमको भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारे थ्रू अगर कोई बंदा, मतलब कोई एक सब्सक्राइबर गया है और उनका बहुत अच्छा हुआ है एंड इनफैक्ट वो खुश है, और जबकि जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा तो और ज़्यादा वो खुश होंगे। और एक होता है ना, एक तो प्लस आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलती है, हम लोगों को भी एक अच्छा फील होता है और वीडियो में भी आ रहे हैं तो इस चीज़ की तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम, कि क्योंकि हर कोई वीडियो में आना नहीं चाहता है और अगर कोई एक बंदा वीडियो में आ रहा है, आप सबको दिखा रहा है तो मोटिवेट हो रहे हो आप लोग, तो इस चीज़ को बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं प्रिंस भाई। और बाद में जब एक वीडियो में आओगे तो हम बिल्कुल दिखाएंगे सबको। और बाकी सर, तो इनका जब नेक्स्ट मतलब PRP के लिए आना है इनको, तो वो डेट आप अभी दे दोगे ना? एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद, नियरली आज 6 है तो 6 से 7 को एक बार आज। तो मतलब कि अभी इनका एक महीने में एक PRP हुआ है और सेकंड PRP जो होगी वो नेक्स्ट मंथ फिर से होगी। 3 या 4 PRP इनफ रहता है, ज़्यादा बहुत 6 या फिर 10-12 करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो है 4-5 PRP बहुत इनफ है, उससे ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई कहता है कि आप हर साल करवाते रहो बिल्कुल रेगुलरली, तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है। अगर आपको बाद में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर आपको एग्जिस्टिंग हेयर्स जो है फॉल हो रहे, तो आप इन सब ट्रीटमेंट के जा सकते हो। मतलब
तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और थोड़ी बहुत आपको जो है प्रिंस भाई का रिजल्ट जो अभी है या फिर जो इनका इम्प्लांटेशन हुआ है वो ही पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।